नागौर से मिल रही है जानकारी, संखवास गांव में 13 हत्याकांड सामने आया है। पत्नी और 2 बच्चियों की हत्या कर दी है पति ने। गृह कलेश इसका कारण बताया जा रहा है। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन मृतकों में 5 महीने और 5 साल की बच्चियां शामिल है। कुल्हाड़ी के वार पर हत्या की गई। आरोपी व्यक्ति पुलिस के हिरासत में पूछताछ उससे की जा रही है। ASP रामकुमार कस्बा मौके पर मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बता दें बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर आप देखिए नागौर के संखवास की यह घटना। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ट्रिपल मर्डर हुआ है नागौर में। अपनी पत्नी समेत 2 बच्चियों की हत्या कर दी है आरोपी पति ने। गिरफ्त में है, फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। मनोज सोनी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या वजह? जी सुनीता, जिस प्रकार जो ये मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो वारदात आई है, इस वारदात के पीछे जो प्रारंभिक जो पुलिस को जानकारी मिली है जो आरोपी की पूछताछ में, वो ये यहाँ आया है कि जो ब्रेकलेस है, ब्रेकलेस हत्या का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। और ब्रेकलेस के चलते ही जो आरोपी पति है मणिराम, उसने अपनी पत्नी सहित 2 जो बेटियां हैं उसको बिल्कुल। कब इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया और पुलिस तक सूचना कैसे पहुंची? आरोपी कैसे गिरफ्त में लिया गया? मनोज जी, ये जो आरोपी मणिराम पति है, वह कल ही अपनी पत्नी को अपने जो उसके पीएड से लेके आया था, और उसके बाद में ये बताया जा रहा है कि रात को उसकी अपनी पत्नी के साथ में अनबन हो गई थी, और इसी ग्रेकलेस के चलते कुलाड़ी से जो अपनी पत्नी शोभा है और 2 अन्य बच्चियां हैं उसको मौत के घाट उतार दिया। जी सुनीता, शुक्रिया फिलहाल आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो हैरान करने वाला, चौंकाने वाला ये मामला नागौर का, जहां एक पति ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी और 2 बच्चियों की हत्या कर दी। मरने वाली बच्चियों में एक 5 महीने की बच्ची भी शामिल है, जबकि दूसरे की उम्र 5 साल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है।